अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़र खान एयरश न्यूज़ में आप सभी का खैर मुकदम करता हूँ। हैदराबाद में आज बल्दी इंतखाबात के लिए राय दही जारी है। सुबह 7 बजे से हुई पोलिंग का आगाज काफ़ी सुस्त रहा। 12 बजे दिन तक सिर्फ 9% पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग के लिए इस मरतबा बैलेट बॉक्स का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। मारूफ शख्सियतों ने अव्वलिन समातों में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया। रुकन पार्लियामान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, वजीर KTR, MLC कवेता और दीगर ने वोट किए। कई मुकामात पर पोलिंग बूथ के पास कशीदगी देखी गई। PHB, TRS और BJP कारकुनों के माबिन तसादुम हुआ। चादरघाट के इलाके में बॉक्स वोट के लिए आए 30-35 खवातीन को रंगे हाथों गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जबकि मलकपेट डिवीज़न में बैलेट पेपर में गलती के बाद पोलिंग नहीं हो पाई। इस डिवीज़न के 69 मराकज पर 3 दिसंबर को दोबारा राय दही होगी। 4 दिसंबर को राय शुमारी के बाद नतीज का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज शाम TV चैनलों पर होने वाले एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा आवाम से अब भी वोट की अपील कर रहे हैं। जानकारी और देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मोहम्मद सैफ, मैं अब्दुल्ला अबरार, ARS।